आठ शहर से चुन के अली 32 भौजी हर हफ्ता चार गो दिखाई है अपना हुनर के जलवा। एमे से जे होई सबसे नीक उ बनी भौजी ऑफ द वी और फिर जे होई बेस्ट उहे पहनी ताज और बनी भौजी नंबर 1 सीजन 7। भौजी नंबर 1। मैरिज एनिवर्सरी के दिन पति पत्नी में लड़ाई हो गई और पति देव दरवाजा के पीछे जाकर छिप गए। दोपहर हो गई, मैरिज एनिवर्सरी के दिन कोई बात ना भइल। लास्ट में पत्नी पहल करता रही और जाके कहली कि सुनिए आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है, आज ये ठीक नहीं रहेगा, तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़ा आप कर लीजिए थोड़ा हम कर लेते हैं। पति बोले हाँ बताओ क्या करना है। आप हमसे माफी मांग लीजिए हम आपको माफ कर देते हैं। तो पति पत्नी में नोक झोंक होते रहेला और जहाँ नोक झोंक होकेला वह प्यार होकेला वह मोहब्बत होकेला और यह नोक झोंक प्यार मोहब्बत से भरल हमार शोभा जेकरा रउवा लोगन कहनी भौजी नंबर 1 सीजन 7। और एक बार फिर से इस प्रोग्राम में मंच से आम दर्शकन के प्रियेश सिन्हा की ओर से नमस्कार बा प्रणाम बा। इन बातों के साथ आज के शो में आज के एपिसोड में चार भौजन के बीच में एक फाइनल मुकाबला हुई और रोल इनका मालूम पड़ जाएगी भौजी ऑफ द वीक कौन बनियन। तो आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करता रही और सबसे पहले स्वागत करेंगे चाहे अपन जज लोगन के भरपूर तालियों में स्वागत करें भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर निर्माता निर्देशक राजकुमार आर पांडे जी। कथक नृत्यांगना और बहुत ही खूबसूरत विधा लाल जी। लोकगीत के मशहूर गायक हरदिल अजीज गोपाल राय जी। और अब चार भोजन के स्वागत जिनकर बीच में प्रतियोगिता बा भरपूर तालियों में स्वागत बा पूर्वी भौजी के उनकर बगल में ठुमरी भौजी और उनकर बगल में चैती भौजी और उनकर बिल्कुल बगल में कजरी भौजी। आज एक फाइनल प्रतियोगिता बा रोलों के बीच में तो पूरी तन्मयता से आप लोग इस मुकाबला को आज खेलें बहुत सारी शुभकामनाएं बोले उनके देते हुए आज हम बुला रहल बानी अपन सेलिब्रिटी जज के मशहूर फिल्म अभिनेता और हमदी के चहेता भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत बा विनय आनंद जी के। बहुत बहुत स्वागत बा भौजी नंबर 1 सीजन 7 के खूबसूरत मंच पे। सभी भौजी लोग के हम बधाई देतानी और बेस्ट ऑफ लक कहतानी के बढ़िया कोशिश करी और जे भी हमने के जज लोग के फैसला हुई वो तो रउवा लोग के पता चली जाए जी। और बधाई देतानी महुआ प्लस के और सभी लोग के। और अब मुकाबले ला तैयार चारों भौजियन। तीन भौजी की यात्रा रुकी, एक भौजी के आगे बढ़े के बाद सेमीफाइनल में जाए के बाद सभी भौजियन के दमखम भर देवल गेल बा, ईंधन भर देवल गेल बा, शुभकामना दे देवल गेल बा। अब देखे के बा कि मिसाइल कहां तक जा रहल बा। तो पहला राउंड में जाए से पहले हम चाहें कि विदा जी के आज परफॉर्मेंस होके और हमें साथ होके गोपाल जी के गीत से तो जोरदार तालियों के साथ दोनों जज लोगन के स्वागत बा मंच पे। से नैन लग गए ऐ मोरी दैया कथा से नैन लग गई है मोरी दैया कथा से नैन लग गई है मोरी दैया 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 कथा से नैन लग गई है मोरी दैया कथा से नैन लग गई है मोरी दैया कथा से नैन लग गई। कहाँ तोरी
आपके सावन जा ने ना दूंगी। जब देखा था अंगनवा में आए, जब देखा था अंगनवा में आए सजरिया पे भाग गई है मोरी तैया, कान्हा से नैना लग गई है मोरी तैया। दुनिया में कलाकार कमते नहीं, डांस तो सभी करते हैं पर सबके डांस इतने जमते नहीं। बहुत बढ़िया विदा जी, बहुत खूबसूरती के साथ रुआ राधा बन गेनी और बहुत खूबसूरती के साथ रुआ साथ देनी है, कितना बढ़िया एक माहौल बना देनी है। आज मैं सभी को कहना चाहती हूँ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो राधे राधे कहते हुए मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार फिर से आसन पे विराजमान हो जाएं, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे हम आगे आगे, कतरा भौजी नंबर वन सीजन सात हम सब के साथ। भौजी नंबर वन लोग देख रहे बानी, चार भोजन के साथ मुकाबला चल रहा बा और चार भोजन के फाइनल मुकाबला में अब चार भोजन लोग अपन पहला राउंड खेले के बाद, जहाँ पे लोग बनाओ के बाद एक मिनट के अंदर एक माला और माला बनी रुद्राक्ष से और ई बीट से, सुई धागा रखल बा, एक मिनट के वक्त रही और एक मिनट में वो लोग जन कमाल दिखाए वही कमाल पर धमाल हुई नंबर मिली। और चूंकि अब दो ही राउंड बा तो जितना अच्छा खेल सकी ये शुभकामना बा, और शुभकामनाओं में सबसे पहले दावत दे रहा बानी, सबसे पहले पुकार रहा बानी, आवाज दे रहा बानी पूर्वी भौजी रउआ के। रश्मि जी, जोन राउंड रउआ खेले जा रहा बानी, राउंड के नाम बा जे जीती उहे सिकंदर, जे जीती उहे सिकंदर। ई राउंड में रउआ लोग इनके एक माला बनावे के बा और ई माला एक मिनट के अंदर तैयार हुई रुद्राक्ष से और ये बीट से, ठीक ना? स्टार्ट कर जाओ, कुछ बहुत ज्यादा है मैं तो समझाए वाला बात बाना नहीं। हाँ, अपना और घींच ली, टेबल पर बैठ मत जाए, बस खड़ा कर। तो 1 2 3 एंड गो स्टार्ट। सुई हाथ में ना लगे बस इधर ख्याल रखी और तेजी से रुद्राक्ष लगाई, बीट उठाई, धागा उजरा गई, देखें तो धागा उजरा गई तो फिर क्या टाइम में भी लाग रहा बा, एक मिनट के अंदर वो सब खेल खेले के बाद। विदा जी, अभी अभी राधे राधे भइल, माहौल ऐसा बन गया कि अब रुद्राक्ष भी आ गए, पूरा भक्ति वाला माहौल और वही से संबंधित सामान आ रहा बा, थोड़ा देर के बाद हमने के मंदिर भी जाएगा बा। नौ सेकंड, उन्नीस,
उन्हें मत ध्यान दी, हम दे रहल बनी ध्यान। समय समाप्त। रश्मि जी जौन माला बनेली है इरवल इनके सामने, रुद्राक्ष हमें बा 1 2 3 4 5 6 7 रुद्राक्ष बा और बीट्स बा 2 2 4 5 6 1 7 7 रुद्राक्ष और 7 बीट के आधार पे नंबर दिहल जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। थैंक यू सर। और अब ठुमरी भौजी यानी कि नीलिमा भौजी रारू प्रतीक्षा बा आ जाएं। एक मिनट का समय आपको भी दिया जाएगा, माला बनाना है, फुर्ती दिखानी है और उसी आधार पे नंबर मिलेगा। 1 2 3 एंड गो। एक रुद्राक्ष एक बीट, एक रुद्राक्ष एक बीट। चैती भौजी कैसा लग रहा है ये गेम? आसान है, हो जाएगा। एक मिनट का टाइम में तो मुश्किल लग रहा है। हाँ थोड़ा डर लग रहा है। तीन खाए मैंने, तीन खा चुकी, अब देखिएगा। समय का ख्याल रखना है, 15 सेकंड है, जिसमें आसानी से जाए वही लें। हाँ भाई तो देख पा रहे ना सर, वो तो जब जाएगा तभी पता चलेगा। 7 सेकंड है अब आपके पास, 3 सेकंड बाद के रह गई बा। सारी समस्या नीलिमा जी के साथ ही आती है और फिर से एक रुद्राक्ष और एक बीट। मार्किंग जो है अपने जज लोगों पे छोड़ते हैं। ठीक। तो नीलिमा जी धन्यवाद आपका। प्लीज अनुराधा जी राउर बारी बा आई। सेम गेम बा, एक मिनट का समय बा है ना, और ई सुई धागा रगोला तैयार बा, तो फिर कोनो दिक्कत तो नहीं है? तो स्टार्ट कर जाओ जी। 1 2 3 एंड गो। चल रुद्राक्ष और एक बीट, एक रुद्राक्ष एक बीट। बस सुई हाथ में ना चुभे का ध्यान रखी। हाँ, और जे रुद्राक्ष में स्पष्ट दिख रहा बा क्या में छिद्र बा, तो ओकरे उठाई। और बीच में तो खैर बहुत बड़ा हमें कुछ तकलीफें नहीं थे। समय रोग लगे बा अभी 30 सेकंड। बहुत अच्छा समय बताओ जाए हमरा के, हम बताओ जाए, बताओ कि हम समय देखत जी, की पावत जी, 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 जी गेम पे ध्यान दी बस, अपना हम बताओ जाए जी। 15 सेकंड बाप रोग लगे। बहुत अच्छा खेल और बनी पूर्वी भौजी, दरुआ एकदम डिफीट कर देली, हरा देली, आगे निकल गई बड़ी, अच्छा खेल बड़ी। और अब 2 सेकंड बा समय समाप्त। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरती के साथ ही माला तैयार भइल बा। और एमे रुद्राक्ष बा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रुद्राक्ष और 3 3 6 3 9 1 10 बीट। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। और अब चिंकी भौजी कजरी भौजी रावर बारी बा, तो आई फिर देखल जाओ रेवा। अब तक बहुत अच्छा खेल रहल बानी, एक और बार मौका मिलल बा, शुभकामना तो मिल ही चुकल बा, छा जाई। 1 2 3 एंड गो। एक रुद्राक्ष एक बीट, फटाफट अब तक के हाईएस्ट रेलवा 10 अनुराधा भौजी के, ओकरा बाद पूरी भौजी रुआ बानी और ओकरा बाद ठुमरी भौजी बानी। तो अब चिंकी भौजी के मिलल बा इस समय, जेमे अब समय रह गेल बा सिर्फ 30 सेकंड, जौन बीट जा रहल बा उठाई। एक रुद्राक्ष एक बीट, एक रुद्राक्ष एक बीट। 15 सेकंड बाप रोग लगे,
खोल के रुद्राक्ष घुस गया। जी जी, रुद्राक्ष में जो जा सके वही के चेक करी, तो थोड़ा किस्मत भी भाई गेम में। समय समाप्त, समय समाप्त, फिर भी अच्छा खेलनी है रुवा। माला राउर जी बनल बा, ओमे रुद्राक्ष बा, 1 2 3 4 5 और पांच ही बीट भी बा। बस एकर नंबर दर्ज होई, धन्यवाद पहुंची। जे जीती वह सिकंदर, राउंड समाप्त भइला अभी अभी। और अब जज लोगन के प्रतिक्रिया, तो सबसे पहले राजकुमार भैया रुआ से। बहुत बढ़िया रहा है, नीमन राउंड रहे, और ये तो बड़ा घर गुत्थी वाला काम रहे। हमके लागल रहे कि बहुत सारा मार्क्स में मिल सकेला, लेकिन पता ना का हो गए बा हमारा ठुमरी भौजी के। और बाकी सब के ऊपर बढ़िया कहले बा, और ख़ास तौर पर हमनी के जो नी भौजाई बड़ी चैती भौजी, तो क्या बात बा, एकदम पूरा बाजी मार ले ली हैं। धन्यवाद आप सबके, और अगला राउंड खातिर फिर से और तैयार हो जाए, थोड़ा जोश खरोश के साथ खेले के चाहिए, ठीक बा। भौजी, आप लोगों के जितने सेगमेंट्स अभी तक हुए हैं उसमें मुझे मालूम है कि आप लोगों ने अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की है, पर ये राउंड एक ऐसा राउंड था जिसमें और नंबर आप ले सकते थे। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए, और आगे आने वाले एक और राउंड के लिए आप लोगों को बहुत बहुत गुड लक, उसमें एकदम जम के आना है। विनय जी, सबकी गेम देख रहा था मैं जी, जब मैंने ठुमरी भौजी का देखा कि वो घिर गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। बाकी चैती भौजी जो हैं उनका मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट देखा कि आप बहुत फास्ट थी जी। तो मैं बाकी भौजी को यही बोलना चाहता हूँ कि वो कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह ये बहुत मामूली सी और बहुत सिंपल सी गेम लग रही थी, और इसे आप लोगों ने बहुत सिंपलिसिटी से ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था। ये छोटे छोटे मार्क्स जो हैं ये ही आप लोगों को विजेता बना सकते हैं या हरा सकते हैं। तो सिर्फ मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि छोटे छोटे गेम्स को छोटा मत समझिए जो सिंपल लगता है, ये वो बूंद है जो सागर भरेगा। तो बस बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया, बातों बातों में गेम तो समाप्त भइल, और बन लही हमनी के साथ भौजी नंबर वन सीजन का। भौजी नंबर वन सजल बा, जहाँ एक भौजी और सेमीफाइनल में जाए ला तैयार बाड़ी, और चार भौजन के बीच अब आखिरी राउंड बा। कहल जाला कि अंत भला तो सब भला, और अंत में अगर झूमते हुए अंत होके तो फिर कोई ना गम होई ना कोई दुख होई, बस जीत के खुशी होई, और यहाँ से मिलल प्यार और मोहब्बत के खुशबू लेके ही ये लोग अपन घर जाए लोग। तो खुशबू के स्वागत कर जाओ, राउंड के स्वागत कर जाओ। बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया में आज फिर से एक बार सोलो परफॉर्मेंस करके नंबर बटोरे के बा, और कोशिश में सबसे पहले पूर्वी भौजी के चेहरा हमार आंखों के सामने बा। तो पूर्वी भौजी तैयार बानी, प्लीज आए। पूर्वी जी नंबर भी मिली और जज लोगन के राय भी जानल जाई, तो बहुत अच्छा डांस, बहुत अच्छा प्रयास करनी, आखिरी परफॉर्मेंस रुआ दे देनी, और अब यहाँ पोडियम पे आ जाई। ठुमरी भौजी तैयार। ठुमरी भौजी प्यार करे लगली पुरवैया से, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रुआ देनी है, और आज एकर जरूरत भी रहे। देखिए अब पे नंबर का मिला तर हुआ, ठीक ना। तो ठुमरी भौजी अब यहाँ आ जाए, और अब चैती भौजी रहुआ फौरन पहुँची। डांस आपने बहुत अच्छा कर दिया, धोती फाड़ कर गमछा कर दिया। चैती भौजी बहुत बहुत बधाई। चैती भौजी के बाद अब आखिरी परफॉर्मेंस ला रहुआ लोग तैयार हो जाएं। तैयार बनी चिंकी भौजी, तो प्लीज कजरी भौजी जेंगे सिनेमा देखे जब जाई जाला, मार सिटी ताली बाज रहल होखेला, वहींगे सिटी बजत रहे ताली बजत रहे, सब जज लोग खड़ा होके डांस करे लागल है लोग। हमनी के विनय जी डांस करे लगले, हमें हमनी के डांस करे लगनी है सन। बगल वाली भौजी तो ये कहे लगली है कि सर अब देख लीजिए ये क्या बात है, सब लोग डांस कर रहे हैं, सारा नंबर उन्हीं को मिल जाएगा का। हमने ना ऐसा बात नहीं है, ये खुशी में हम लोग डांस कर रहे हैं, कोई चीटिंग वाला बात नहीं। तो बहुत सारा ताली कजरी भौजी ला। कजरी भौजी और अब हरकत में आ जाए लोग, इन चूंकि हमारे जज लोग हरकत में आ गए, लोग उठ के खड़ा हो गए कजरी भौजी के डांस पे, और अब
जानल जाओ सभी भोजन के बारे में। विधा जी सबसे पहले हम रउआ से जाने के चाहें। प्रीत जी सभी भावचों ने बहुत अच्छी कोशिश की है। पहले वाले जब पिछले राउंड में आपका बाजे पैजनिया था तो इतना मज़ा नहीं आया था जितना मज़ा मुझे इस बार आया, क्योंकि आप लोगों ने जो स्टेज यूज़ किया है, एक्सप्रेशंस, पूर्वी भावजी आप इतनी प्यारी छोटी सी बच्ची की तरह डांस कर रही थी। राजा जी अब कैसे होके तुमसे दूर सजना। चुमरी भावजी आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही दिल को छूने वाला है। और जनी प्यार कर आप एक सटल कुछ मूवमेंट करती हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी को यूज़ नहीं करती हैं, और वो सटल मूवमेंट यहाँ दिल को लगता है, बहुत खूबसूरत। चैती भाऊजी आपने तो पूरा एकदम धुआं उड़ा दिया, आपको गर्दा उड़ा दिया। और हमारी कजरी भाऊजी आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि विनय जी आपके साथ आके आपको साथ दिया, आपको हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए, आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वेरी मच। गोपाल जी निक नचले वालों के हमारा खूब आनंद आयल बा। आई खास कर ठुमरी भौजी जौन नचली है ओढ़नी प्यार करे लागल पुरवैया से, आ पाल टांग के नाचल कहाँ आप देखे के मिलता, वो प्रथे खत्म हो गई बा। असली है ना भोजपुरी है नाच है। जी जी बड़ी मजा आई ठुमरी भौजी और कजरी भौजी चैती भौजी भी सब अच्छा नाचल है, आनंद आयल पूरा भर पेट। जय नाचल तो आसान बा पर नचावल बहुत मुश्किल होला। जी जी और आज तो चारों भौजाई मिलके सबका के कहीं ना कहीं नचाइए दिल्ली बा। सब केहू के दिल से यह दुआ बा कि जोनी तरह से एहिजा शो के दौरान आप लोग इतना उमंग से इतना खुशी के साथ डांस के लिए बनी जा, परफॉर्मेंस के लिए बनी जा, यही तरह से घर परिवार के भी समेट के रखे के आगे भी यही स्पिरिट, यही प्यार, यही मोहब्बत बनाए रहिएगा। कौन आगे आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ ये हमारी चारों भौजाएँ अपने अपने घर की नंबरों तो हैं। जज लोगन के प्रतिक्रिया मिल गई बा और नंबर भी मिल गई बा। विनय जी के डांस भी हो गई है, साथ साथ मजा आयला, बहुत आनंद आयला। और अब आनंद के बाद वो घड़ी आ रहल बा जहाँ पे हम बताए वाला बानी भौजी ऑफ द वीक, कौन भौजी बनियन, सेमीफाइनल में कौन जहियन। तो देखत रही हमारा साथ भौजी नंबर वन सीजन 7। भौजी नंबर वन पूरा हफ्ता रवल इनके देखे के मिलल की चार अलग अलग रंग, अलग अलग रूप और अलग अलग परफॉर्मेंस पूरा हफ्ता भर भइल। और अब ओकर रिजल्ट बा, लेकिन रिजल्ट पे जाए से पहले अब तक के पूरा यात्रा, पूरा सफर ई देखे के मौका बा ई राउंड में, सुहाना सफर में। तो सबसे पहले पूर्वी भौजी सुहाना सफर रघुवाला, यहाँ पर आके मुझे स्टेज मिला है जो मुझे इससे पहले कहीं नहीं मिला था। जब डांस कर रही थी तो अपने डांस में खो गई थी। किसी भी जानवर के काटने पर कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है? रेबीज। भौजी कितनी प्यारी आवाज है, अगर मैं आंख बंद करके आपकी आवाज सुनूं तो लगेगा कि छोटी सी बच्ची गा रही है। मैं आपसे बहुत माफी मांगती हूँ कि आपकी तबीयत खराब होने के बावजूद मुझे यहाँ आना पड़ा, पर मेरी चिंता, मेरा मन सिर्फ आपके पास है। तड़प रहे हैं मोहब्बत में वो भी मेरी तरह, करार इधर भी नहीं करार उधर भी नहीं। आपके जो प्रेम पत्र आपने लिखा उसमें लिखा है कि आपके पति बीमार हैं और उसके बावजूद आप यहाँ पर हैं। उनको ट्यूमर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर। बताया गया कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, लेकिन मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है वो। उनको कैंसर हो गया है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, यानी दहेज ही अब सब कुछ हो गया, उसकी खूबसूरती ही सब कुछ हो गई, और इतने सालों का जो हमारा प्यार था उसका कुछ भी वैल्यू नहीं तुम्हारे लिए। पूर्वी भौजी मुझे मालूम है कि इतने परेशानियों के बाद भी आपने इतनी अच्छी कोशिश की, आपको सलाम है। पूर्वी भौजी के बाद सुहाना सफर ठुमरी भौजी राउर।
हमेशा से बचपन से मुझे गीत गाने का शौक था। ए मुरठू मरी भौजी गवला से रउआ सब कर अरे खिल गइल मनवाए मुरठू मरी भौजी। मैं कई बार पूजा करना भूल जाती हूँ, लेकिन जब आपकी याद आती है तो मुझे लगता है कि दिन का पूजा हो गया। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मिस्सी रोटी किस प्रकार के आटे से बनती है? बेसन गेहूं के आटे से। बिल्कुल सही जवाब। प्यार समंदर प्यार किनारा प्यार है जग के ज्योति। लव लाइट इज डांस। तारीफ करने के लिए अब कुछ शब्द बचे नहीं हैं। कैसा रहल सुहाना सफर? अब तक के सफर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सफर। चैती भौजी सुहाना सफर। राउर भौजी नंबर वन में आके हम बहुत खुश बानी। छोड़ी के तू जाइबा कैसे हमरा के टाटा से। चेती भौजी ने तो आज कमाल कर दिया। क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या ठुमका लगाया है आपने। ओ हो हाँ, तो इतना अच्छा रुआ कहनी है कि ओकरा के हम कहब कि रुआ जान मार डांस करी। आप मुझे याद कर रहे थे और बस इतना आपका कहना इतना रास आया कि मैं सुबह से खुश हूँ और ये लाइन सुनने के लिए हमेशा आपसे दूर रहना चाहती हूँ। कई आशाएं कई उम्मीदें एक कसक एक दीवानगी साथी है मेरे। आए दिन सा के बाबूजी होई देखी होई करा के आई हो दादा मर ले बड़ा का कहां बात दे बस तोरा पार फेंको। बड़ी भारी अजूरी से मोतिया लुटाए दो। कमाल गर्दा उड़ा दिया यहाँ पे तो। बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा। कैसा लगा ला ये वीडियो देख के? बहुत कुछ याद आ गई। अच्छा लगा ला? बहुत बहुत बढ़िया। कजरी भौजी सुहाना सफर। राव एक से बढ़कर एक भौजी लोग आई भी है, लेकिन हमरा के लगा था कि उनकर से भी हम अच्छा दे कहके हमारे अंदर में ऐसा हौसला बा। टोल खाटी भोजपुरिया रहल, अंदाज भी खाटी भोजपुरिया रहल। ऐसे कजरी भौजी के डांस के हम कहब कि गर्दा उड़ान डांस भइल। बढ़िया से था के मारी कि जब अंपायर अपने दोनों बाहों को खोल देता है तो इसका अर्थ क्या होता है? वाइट बॉल होता है। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती। जैसे मैं मछली भात खाना पसंद करती हूँ, मैं वैसे ही आपको पसंद करती हूँ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बढ़िया गोलियां। जय कजरी भौजी कैसा लगा ला अपने आपके टीवी पे देख के? बहुत अच्छा लगा और मुझे देख के बहुत खुशी हुई। खुशी हुई। इमंच से अगर मौका मिलल बा तो कुछ कहे के बा, एक एक लाइन में अगर जकरा भी परिवार के माता के पिता के पति के, तो एक लाइन में अगर पूर्वी भौजी कुछ कहे के हुई तो का कहे? कौशिक, कौशिक से मैं बहुत प्यार करती हूँ जो मेरे पति हैं, और मैं अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा इस दुनिया में प्यार करती हूँ। मेरा बेटा बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, बहुत लाडला है, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है वो। ठुमरी भाभी यही कहना है स्मृति, मुझे अपने परिवार अपने पति अपने बच्चों से बहुत प्रेम है, लेकिन मुझे संगीत से भी बहुत प्यार है। और यही कहना है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर बिना तो कुछ किए नैया पार नहीं होती। बस चैत्य भौजी हम अपना पति देव के बारे में कुछ कह के चाहते नहीं जी। हर वक्त
एक नई एहसास हो सकती है। माना तुमसे दूर हूँ लेकिन आंखें बंद करो तो मुलाकात भी हो सकती है। और रोवे चलते हम एजा तक पहुँचल बनी। और रोवा के हम बहुत धन्यवाद देतनी कि इस मंच पे पहुँचावे में सबसे पहला हाथ राउर बा। हम अपना मेहनत के क्रेडिट बाद में देतनी। बहुत खूब कजरी भौजी। मुझे इस मंच से एक पहचान मिली है और ये पहचान कराने वाले मेरे पति हैं जो मुझे इतना दूर से लाए हैं। और मेरी प्यारी बेटी भी आई है जो यहाँ पर मेरे साथ दे रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जीवन में ऐसे ही मेरा साथ दे। दिलों की बात दिलों तक पहुँचाया हमने। और अब चूंकि फॉर्मेट बा तो नाम तो बतावे के बा। बनल रही हमने के साथ, देखते रही भौजी नंबर वन सीजन सात। हाँ, अब रवल के हम बताए वाला बानी कि चार भौजन के बीच में से कौन भौजी भौजी ऑफ द वीक बन के सेमीफाइनल में प्रवेश करे वाला बाड़ी। रिजल्ट बन के तैयार बा। और रिजल्ट बतावे से पहले सुहाना सफर लोग दिखावल गया और सुहाना सफर देख के भावुक भी हो गए हा लोग, अपन दिल के बात भी रखल हा लोग और अभी भी कुछ सोच रहा वा लोग। निश्चित रूप से ए टाइप के जब व्यवस्था होकेला, जब ए टाइप के कार्यक्रम होकेला तो कोई भी यहाँ से वजह चाहे जो भी हो जाए के तो ना चाहेला। लेकिन एक सिस्टम बा, लेकिन एक व्यवस्था बा, तो वो हिसाब से तो जाए के बा। लेकिन यकीन मानी भौजी लोगिन कि जे भी महुआ प्लस ई परिवार से जुड़ जाला वो फिर जुड़ जाला। और एक और बात रिजल्ट अनाउंस करे से पहले साथ साथ जोड़ देता नहीं कि एक भौजी भौजी ऑफ द वीक बनियन लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री के प्रावधान बा, तो यही सीजन में रहुआ लोगिन वापस भी आ सकते हैं, ठीक ना। तो रिजल्ट के बहुत उत्साह से उमंग से सुनेम लोगिन और दिल में जरूर वह खुशी होके चाहिए जैसन खुशी अभी अभी सुहाना सफर देख के मिलल है। बिहान के रवा लोगिन के स्कोर ना बताओल गए रहे, वो स्कोर यहाँ संदूक में रखल बा। इस संदूक से हम स्कोर निकाल रहल बानी। हम सभी भोजन से कि सब भौजी लोग यहां मंच पे आ जाए। स्कोर कुछ यूं बनल बा कि पूर्वी भौजी रश्मि प्रभा जी भागलपुर से जे जीती वह सिकंदर, ई राउंड में इनका आज मिलल है 15 अंक। बाजे पैजनिया में मिलल है 10 अंक। पहला एपिसोड में इनकर कमाई रहे 40 अंक, दूसरा में 35 अंक, तीसरा यानी बिहार वाला एपिसोड में इनका मिलल है 50 अंक और आज के मिला के 25, टोटल बा 150 अंक। ठुमरी भौजी नीलिमा सिंह अलाहाबाद से जे जीती वह सिकंदर, ई राउंड में इनका मिलल है 5 अंक। बाजे पैजनिया ई राउंड में मिलल है इनका 15 अंक। पहला एपिसोड में इनका नंबर है 30, दूसरा एपिसोड में इनका नंबर रहे 35, बिहान वाला एपिसोड में बहुत अच्छा 60 अंक बने ली, आज के 20 बा कुल बा 145। यानी कि 5 अंक नीलिमा जी रोगा पूर्वी जी से कम हो गए नहीं, यानी कि अब ये तो तय बा कि पूर्वी जी रोगा से आगे बने। चैती भौजी अनुराधा ओझा जमशेदपुर से जे जीती हुए सिकंदर, ई राउंड में रहुआ मिलल 20 अंक, भरपूर अंक। बाजे पजनिया में रहुआ मिलल है 20 अंक, पूरा अंक। पहला एपिसोड में राउंड नंबर रहे 40, दूसरा एपिसोड में राउंड नंबर रहे 40, तीसरा एपिसोड में 50 अंक रहे, आज के 40 मिला के होता 170 अंक। कजरी भौजी चिंकी पाल भौजी जमशेदपुर से पहला राउंड जे जीती उहे सिकंदर में मिलल है इनकरा 10 अंक। बाजे पजनिया में इनकरा मिलल है 20 अंक। पहला एपिसोड में इनकरा नंबर मिलल 40, दूसरा एपिसोड में इनकरा नंबर मिलल 55, तीसरा एपिसोड में इनकरा नंबर मिलल 50, आज के भइल 30, टोटल बा
175 अंक, यानी कि रउआ चिंकी भौजी सेमीफाइनल खेल रहल बानी। एक सौ पचहत्तर अंक के साथ भौजी ऑफ द वीक हो गई बड़ी चिंकी जी, और चिंकी जी के बहुत सारी बधाइयाँ। और यही बधाइयों में हम चाहें विनय जी से कि भौजी ऑफ द वीक के शह से रुआ इंकरा पहनाई ई हक अब इंकर बा। और सभी भौजियन के बधाई बा कि अब वाइल्ड कार्ड एंट्री के बारे में रुआ लोग सोची तो मौका अभी राहुल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बा वाइल्ड कार्ड एंट्री करेला। अपन बाकी जज लोगों से रिक्वेस्ट करें प्रार्थना बा कि रउआ लोग भी मंच पे आए और बाकी के तीनों हमार भौजियन के एक यादगार सर्टिफिकेट से दी। और अब जाते जाते रउआ लोग सब इतना कहे के चाहें कि अक्सर इंसान अपन अभिमान में अपन अच्छा खासा रिश्ता के नष्ट कर देवेला। रउआ लोग इंसान अनुरोध बा कि प्लीज सच्चाई के जानी और सच्चाई के साथ ही जिंदगी के गुजारी, वही में जीत बा वही में कामयाबी बा। मुस्कुराते रहिए, रघु लोगों से फिर मुलाकात हुई यही टाइम यही शो यही चैनल पे। तब तक अपन दोस्त अपन होस्ट प्रियेश सिन्हा के दी इजाजत, अपन ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय। भौजी नंबर 1।